वरीशा क्या हो गया, क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो? मेरा कोई भाई नहीं, मेरी सारी बहने बहने हैं। हाँ तो क्या हुआ, तुम्हें आज भाई की कैसे याद आ गई? मेरी सारी फ्रेंडों के भाई हैं और उन्हें सब मतलब उनके उनके भाई ना स्कूटी सिखा दिए उनको। हाँ। मेरा तो कोई भाई भी नहीं है। तो तुम्हें स्कूटी सीखना है? तो क्या हुआ, तुम्हें नहीं पता है बहनें तो उनके यहाँ होती हैं जिससे अल्लाह ताला खुश होते हैं। अल्लाह ताला हम लोग से बहुत खुश हैं, इसलिए हमारी तुम्हारी इतनी माशाल्लाह बहनें दी हैं उन्होंने, इसलिए तुम्हें किस्सा बताते हैं। उसके बाद तुम्हें कभी अपने दिल में नहीं लाओगी कि तुम्हारा भाई क्यों नहीं है। एक आदमी था तो उसके मतलब 5 बेटियाँ थी। एक मतलब उनके जब छठी वाइफ के कुछ होने वाला था तो उसने अपनी बेगम से कहा कि अब की हमारा बेटा ही हो। तुम्हें एक किस्सा सुनाते हैं। एक आदमी था, उसके 5 बेटियाँ थीं और उसकी वाइफ के छठा कुछ होने वाला था, तो उसने कहा हमको अल्लाह ताला बेटी ही देना। लेकिन इत्तेफाक से अल्लाह का करना उसके छठी बार भी बेटी हो गई। तो उस अच्छा कोई बात नहीं, वो एक दिन सो रहा था, उसने ख्वाब में देखा कि हम मर गए हैं और वो हम अल्लाह की बारगाह में जा चुके हैं। तो जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि उसको दोजख में डाल दिया गया है। जब वो एक दरवाजे पे जाता है दोजख के, तो एक बेटी खड़ी होती है, कहती है मेरे वालिद को वहाँ पे जन्नत में मत भेजो अल्लाह ताला, फिर इसी तरह दोजख में मत भेजो। इस तरह दूसरी बेटी भी दोजख के दूसरे दरवाजे पर खड़ी थी। इस तरह 6 दरवाजे पर 6 बेटियाँ उसको मिलती हैं और जब 7वें दरवाजे पर जाता है वहाँ कोई नहीं रहता है, वो घबरा जाता है। वो कहता है अरे इस दरवाजे में तो कोई नहीं, उसकी आँख खुल जाती, देखता हम तो ज़िंदा हैं। बस उठ के वो दुआ मांगता है अल्लाह ताला हमको एक बेटी और अता फरमा दे। समझी आप? सुभानअल्लाह। हाँ, अब आपने देखा अल्लाह की शान, अल्लाह ताला ने वादा किया है बेटी मैंने दी है तो उसका जिम्मेदारी मेरी है। अल्लाह ताला जिससे खुश होता है उसको बेटी उसके घर बेटी भेजता है, इसलिए उसके घर फरिश्ते आते हैं। इसलिए कभी अब ये ना कहना कि हमारा भाई नहीं। हाँ अल्लाह की रहमत है वो तो हम, अब आप तो नहीं कहोगी। और स्कूटी वाली बात रही, वो हम तुमको अल्लाह ने चाहा तो कोई ना कोई सिखा ही देगा, ठीक है? अब तो मायूस नहीं होगी। नहीं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।